अगर आप पेशे से वकील नहीं हैं और कचहरी आते जाते रहते हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर की हत्या के बाद झांसी जिला अधिवक्ता संघ व प्रशासन वकीलों व विधि विद्यार्थियों को छोड़ अन्य के काला कोट पहनकर कचहरी परिसर में दाखिल होने पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। यदि काला कोट पहने पकड़े गए तो मुश्किल आ सकती है। बता दें कि बीते रोज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोर्ट परिसर में गैंगस्टर जीवा की काला कोट पहनकर आए शूटर द्वारा हत्या करने के बाद झांसी जिला न्यायालय में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जज परिसर में दाखिल होने के पूर्व वकीलों और वादिकारियों की चेकिंग की गई। घटना के बाद सुबह से ही एएसपी अंजलि विश्वकर्मा, सीओ सिटी राजेश राय सहित अन्य पुलिस अधिकारी न्यायालय परिसर पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला व महामंत्री केपी श्रीवास्तव ने भी कोर्ट में लगे लाउडस्पीकर से ऐलान किया कि वकीलों से इतर अन्य लोग काला कोट पहनकर न आए। सुरक्षा झांसी जनपद में न्यायालय सुरक्षा को हम लोग एक बार रिव्यू किया था। उस परिप्रेक्ष्य में मैं और जो नोडल ऑफिसर है न्यायालय सुरक्षा के एसपी सिटी, हम दोनों पूरा जिस तरह एंट्री पॉइंट पे हमारा सुरक्षा व्यवस्था क्या है, डीएफएमडी का स्थिति क्या है, एसएचएमडी किस तरह काम कर रही है, जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कहाँ कहाँ कवर हो रही है, ये सब चीज़ें पूरा मेरे द्वारा चेक किया गया है। और इसके अलावा जो सदर हवालात है, सदर हवालात से मुलजिम पेशी ले जाते समय क्या क्या किस तरह जा रहे हैं और सुरक्षा किस तरह लगी हुई है, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए मैं आ गया हूँ। इसमें जो फीडबैक है हम लोग लिया गया है, कुछ स्टेक होल्डर से भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी एक दो दिन में हम लोगों का एक बार के साथ एक मीटिंग भी होगी, बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी के साथ मीटिंग भी होगी। जो जो छोटी छोटी कमी हमको लग रहा है इसके बारे में जल्दी पूर्ति करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ का जो कांड हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ जो कांड लखनऊ में हुआ है उसके 3 दिन पूर्व से ही हमारे जिला अध्यक्ष के जो अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पर व मेरे निर्देश पर यहाँ हम लोग रोज माइक पर 3 दिन पहले से ही इन चीज़ों को कह रहे थे कि कोई भी बिना पंजीकृत अधिवक्ता या लॉ का छात्र के अलावा कोई भी काला कोट पहन के दिखेगा तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक है और जो कुछ कमी है तो सोमवार को हम लोग माननीय जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन देके उसको भी दूर करा लेंगे। संस्कार सेवा समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।